Lovely student, now today I am going to continue the chapter number 11 according to a book of NCERT, which is areas related to circle. Today we will solve question number 3, but before getting start, अगर आपने मेरी previous video question number 1 and 2 की नहीं देखी है तो आपसे request है आप उस video को पहले देख ले ताकि chapter से related जितने भी concepts है वे सारे clear हो जाए आपके. Okay? Now question number 3 says that the length of the minute hand of a clock is 14 cm. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. So first of all we will draw the circle. Okay. Now this is our circle. Ab is circle mein hum sabse pehle ek center point se ek मिनट हैंड ड्रॉ करेंगे. दिस इज़ अ मिनट हैंड और ये मिनट हैंड जो कि बोला हुआ है क्वेश्चन में 5 मिनट स्वेप्ट करती है यानी मूव करती है. सपोज़ अभी यहाँ पे मिनट हैंड है और ये मिनट हैंड स्वेप्ट करके यहाँ पर आ जाती है 5 मिनट में. ओके, सो दिस इज़ स्वेप्ट एरिया. सो हमें ये जो एरिया है 5 मिनट में जो मूव हुआ है मिनट हैंड, इस एरिया का हमें सेक्टर मीन्स एरिया फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. जो मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है मीन्स 14 सेंटीमीटर, दिस इज अ रेडियस. रेडियस हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा. और अब हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया एंड हमें अब एंगल फाइंड करना है. एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है कि जो एक सर्कल होता है, यानी अगर मैं मिनट हैंड की बात करूँ, ये मिनट हैंड अगर यहाँ से पूरा कंटिन्यू करके एक सर्कल कम्प्लीट करके वापस अपनी पोजिशन पर आ जाता है तो हम कहेंगे यहाँ इसने 360 डिग्री का एंगल बनाया. मीन्स एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है. सो यहाँ पर 60 मिनट में एंगल कितने डिग्री का ड्रॉ होगा, 360 का. इन 60 मिनट एंगल मेड इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो 1 मिनट में पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इन 1 मिनट 360 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 6 36. सो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा मिनट हैंड के सेम वो 6 डिग्री का एंगल होगा. अब हम यहाँ पर 5 मिनट में पता लगा लेते हैं कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा. इन 5 मिनट 5 मिनट में 6 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू 6 5 30 डिग्री. सो हमारा 5 मिनट में जो ये मिनट हैंड जो एंगल बनाएंगे वो कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का. नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे या हम ये भी लिख सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. ठीक है, नाउ थीटा की जगह हमारा जो एंगल निकला है यहाँ पे 30 डिग्री, वो एंगल हम यहाँ पुट करेंगे 30 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री इन टू पाई की जगह 22 अपॉन में 7, रेडियस की जगह 14 सेंटीमीटर इन टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 2 7 जा 14. तो ऊपर अब हमारा न्यूमरेटर में 22
इंटू 7 सेंटीमीटर बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर एंड इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हमारा 3 आ जाएगा। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू जा 14 एंड 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 3, हम इसे यहीं पे ही छोड़ देंगे। सो हमारा ये आंसर है कि 5 मिनट में जो मिनट हैंड है हमारी वो कितने डिग्री, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया स्वेप्ट करेगी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है,